हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ इज फिल्मी। ये डरावनी हिंदी फिल्मों की लिस्ट का 12th पार्ट है। 11th पार्ट में मैंने आपको 1999 में आई फिल्म चंडाल आत्मा से लेकर 2000 में आई फिल्म मुर्दा तक बताया था। इस लिस्ट में अब हम आगे बढ़ते हैं। 2000 में आई फिल्म मुर्दे की मौत में एक न्यूली मैरिड कपल का एक गेस्ट हाउस में खून हो जाता है। कहते हैं कि उसके बाद उन दोनों का भूत गेस्ट हाउस में सबका खून करने लगता है। फिल्म का बजट 20 लाख था और कमाई 6.5 लाख हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। फिल्म का डायरेक्शन दिनेश ठक्कर ने किया है, म्यूजिक राजकुमार और अविराज ने दिया है, गाने श्रद्धा पंडित और श्रवणी ने गाए हैं। फिल्म में अमित पचौरी, मुस्कान, विजय सोलंकी, सुरेंद्र पाल और दिनेश हिंगू हैं। आज से 10 साल पहले ये दोनों यहाँ पर हनीमून मनाने आए थे और उसी वक्त इन दोनों का गेस्ट हाउस में मर्डर हो गया। तो 2000 में ही आई थी फिल्म भूतराज। फिल्म में एक ठाकुर भोला पर झूठा इल्जाम लगा के और बेइज्जत करके गांव से बाहर निकाल देता है। ठाकुर से बदला लेने के लिए भोला तांत्रिक भूतराज बन जाता है और ठाकुर की बेटी की हत्या कर देता है। ठाकुर भूतराज और उसकी बेटी कामना को मार देता है और कामना की आत्मा को एक संदूक में बंद करके एक तहखाने में रख देता है। कई सालों बाद ठाकुर का बेटा और बेटी उस हवेली में वापस आते हैं। दो गुंडे खजाने के लालच में संदूक खोल के कामनी की आत्मा को बाहर निकाल देते हैं। तभी से कामनी की आत्मा सबको मारने लगती है। फिल्म के शुरू की स्टोरी को अगर हम छोड़ दें तो पूरी फिल्म डाक बंगला की रीमेक है, जिसमें थोड़ी सी पुराना मंदिर की स्टोरी भी ली गई है। फिल्म का बजट 45 लाख था और कमाई 78 लाख हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज गई थी। फिल्म का डायरेक्शन जितेंद्र चावड़ा ने किया है, म्यूजिक सावन कुमार सावन ने दिया है। फिल्म में पूनम दास गुप्ता, पृथ्वी, सतनाम कौर, शक्ति कपूर, मोहन जोशी, किरण कुमार, कोगा कपूर, रजा मुराद, अनिल नागरथ, बीरबल और राजेश विवेक हैं। मैं वही भोला हूँ जिस पर जादू टोना लगाने का इल्जाम लगाकर तेरे बाप ने और लाल पहाड़ी ने कितने जुल्म ढाए। दो हजार में ही आई थी फिल्म भूतनी। फिल्म में महिमा की आत्मा अपनी माँ को आके बताती है कि कुछ लोगों ने उसको मार के गाड़ दिया है, जिसके बाद महिमा की आत्मा एक के बाद एक अपने कातिलों को मारने लगती है। फिल्म का बजट 25 लाख था और कमाई 10.5 लाख हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। फिल्म का डायरेक्शन इसरार अहमद ने किया है, म्यूजिक बबलूराज बबलू ने दिया है, गाने उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सपना मुखर्जी, मिताली, दीपा नारायण और सौद खान ने गाए हैं। फिल्म में राजप्रेमी, किरण कुमार, रजा मुराद और राजू हैं। दो हजार में ही आई फिल्म खूनी जलजला में ऑल इंडिया स्पोर्ट में भाग लेने के लिए कुछ लड़के लड़कियां ट्रेनिंग कैंप में आते हैं, लेकिन उनका एक एक करके खून होने लगता है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप हुई थी। फिल्म का डायरेक्शन हृदय शंकर ने किया है, म्यूजिक देवेश भारद्वाज ने दिया है, गाने मनोज राजन त्रिपाठी, कविता चमोली, देवेश भारद्वाज और अनिल चंद्र वाजपेयी ने गाए हैं। फिल्म में मनोज बख्शी, सोनम अरोड़ा, कार्तिक और दारा किशन हैं। क्या
2000 के आसपास बहुत सी बी ग्रेड की डरावनी फिल्में शूट हुई थी, जिनमें से ज़्यादातर रिलीज भी नहीं हुई थी और जो आई भी थी उनमें से कुछ का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। 2001 में आई फिल्म चांदनी बनी चुड़ैल में एक गरीब परिवार की लड़की चांदनी को उसके कॉलेज के लड़के उठा ले जाते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं, जिसमें चांदनी मर जाती है। मरने के बाद चांदनी भूतनी बनके सबसे अपनी मौत का बदला लेती है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। फिल्म का डायरेक्शन आर मित्तल ने किया है, म्यूजिक प्रेम कुमार शर्मा ने दिया है, गाने पवन कुमार, तनुजा मेहता, बाबू सुप्रियो और अंतरा चौधरी ने गाए हैं। फिल्म में विजय सोलंकी, रिन कपूर, निशा, राकेश पांडे, अनिल धवन और अरुण माथुर हैं। एक में ही आई फिल्म तहखाना 1988 में आई फिल्म वीराना की रीमेक है। फिल्म शॉट टू शॉट और डायलॉग टू डायलॉग 100% वीराना फिल्म की रीमेक है, लेकिन ये फिल्म वीराना फिल्म का एक बहुत ही बुरा रूप है। फिल्म का बजट 15 लाख था और कमाई 12.5 लाख की हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। फिल्म का डायरेक्शन किशन शाह ने किया है, म्यूजिक सावन कुमार सावन ने दिया है। फिल्म में सतनाम कौर, अमित पचौरी, जोगिंदर, अनिल नागरथ, करिश्मा, अली खान और बीरबल हैं। ठाकुर 2002 में आई फिल्म दरवाजा में प्रताप अपने भाई को भूत बनके डराता है। उसे ऐसे लोगों को डराने में मजा आता है। एक दिन उसमें एक शैतानी आत्मा आ जाती है और वो लोगों को मारने लगता है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप हुई थी। फिल्म का डायरेक्शन कांति शाह ने किया है, म्यूजिक सावन कुमार सावन ने दिया है। फिल्म में सपना, अमित पचौरी, विनोद त्रिपाठी और अनिल नागरथ हैं। किसी बेगुनाह की जिंदगी के साथ कभी ना खेल सके। नहीं बाबा, मुझे बोतल में मत बंद करो। ग्रीम ग्रीम चामुंडा है बिचार। दो हजार दो में ही आई फिल्म राज में संजना और आदित्य अपनी शादी को एक आखिरी मौका देने के लिए ऊटी जाते हैं, जहां वो पहली बार मिले थे। ऊटी में उन्हें पता चलता है कि उनके बंगले का नौकर रॉबर्ट 8 महीने से लापता है। वहां संजना के साथ कुछ अननेचुरल बातें होने लगती हैं। एक शैतानी आत्मा संजना को परेशान करने लगती है। ये विक्रम भट्ट की पहली डरावनी फिल्म है। जब ये फिल्म आई थी उस वक्त हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डरावनी फिल्मों का दौर खत्म हो चुका था, लेकिन इस फिल्म के बाद दोबारा शुरू हुआ। फिल्म का बजट 5 करोड़ था और कमाई 36 करोड़ की हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर गई थी। फिल्म का डायरेक्शन विक्रम भट्ट ने किया है, म्यूजिक नदीम श्रवण ने दिया है, गाने अलका याग्निक, उदित नारायण, अभिजीत, सारिका कपूर, सुनिधि चौहान, जॉली मुखर्जी, बाली ब्रह्मभट्ट और सुनेजा डिमेलो ने गाए हैं। फिल्म में डीनो मौर्या, बिपाशा बसु, मालिनी शर्मा, आशुतोष राणा, विश्वजीत प्रधान और श्रुति उल्फत हैं। की जा रही है, की जा रही है। मालिनी
2003 में आई फिल्म भूत में विशाल एक फ्लैट किराए पे लेता है। इस फ्लैट में पहले एक लड़की मंजीत की मौत हो चुकी होती है। मंजीत की आत्मा अपने कातिलों को सजा दिलाने के लिए विशाल की पत्नी स्वाति में आ जाती है। फिल्म का बजट 7 करोड़ था और कमाई 24 करोड़ की हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट हुई थी। फिल्म का डायरेक्शन रामगोपाल वर्मा ने किया है। म्यूजिक सलीम सुलेमान, अमर मोहिले, बापी तुतुल और आनंदराज आनंद ने दिया है। गाने आशा भोसले, सुनिधि चौहान, विजय प्रकाश, सलीम मर्चेंट, गायत्री अय्यर, उषा उत्तुप, परवेज कादिर और आनंदराज आनंद ने गाए हैं, लेकिन कोई भी गाना फिल्म में यूज नहीं किया गया था। फिल्म में अजय देवगन, उर्मिला मातोंडकर, नाना पाटेकर, रेखा, फरदीन खान, तनुजा और सीमा विश्वास हैं। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? ये छोटी सी बात है विशाल। स्वाति, एक औरत यहाँ से कूदकर मर गई तो इसका मतलब हम इतना अच्छा घर छोड़ दें? तीन में ही आई थी फिल्म डरना मना है। फिल्म में कुछ यंगस्टर गोवा बाय रोड जाते हैं। रास्ते में एक सुनसान रोड पर उनकी कार का पंचर हो जाता है, लेकिन वो जैक लाना भूल जाते हैं। उन्हें पास ही एक रोशनी दिखाई देती है। वो एक खंडर मकान होता है जहां एक लालटेन टंगी होती है। वो लोग वहीं आग जला के बैठ जाते हैं और टाइम पास करने के लिए डरावनी कहानी सुनाते हैं। लेकिन जब वो एक एक करके अपनी कार की तरफ जाते हैं, रास्ते में उनका खून हो जाता है। फिल्म का बजट 4.5 करोड़ था और कमाई 9 करोड़ की हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप हुई थी। फिल्म के प्रोड्यूसर रामगोपाल वर्मा है। डायरेक्शन प्रवाल रमन ने किया है। म्यूजिक सलीम सुलेमान ने दिया है। गाने सुनिधि चौहान, सोनू निगम, निनाद कामत, नरेश कामत, अर्पना झा, विजय, रवि खोटे और सलीम मर्चेंट ने गाए हैं। फिल्म में सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी, संजय कपूर, विवेक ओबराय, नाना पाटेकर, आफ्ताब शिवदासानी, ईशा कोपिकर, सुहेल खान, अंतरा माली, समीरा रेड्डी और सुशांत सिंह हैं। ए जैक मिला क्या? वही तो देख रहा हूँ, मिल नहीं रहा है यार। अरे वहाँ यार, अरे हाँ चलो देखते हैं। तुमने वो आवाज सुनी? आखिरी बचा है, मुफ्त में दे दूंगा। 2003 में ही आई फिल्म साया में आकाश और माया दोनों पति पत्नी डॉक्टर होते हैं। माया बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने के लिए जाती है, लेकिन आते हुए उसकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें सब मर जाते हैं। आकाश माया को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लाश भी नहीं मिलती। उसके बाद आकाश को लगता है कि मरने के बाद लाश के थ्रू माया की आत्मा उससे बात करना चाहती है। फिल्म का बजट 3 करोड़ था और कमाई 5 करोड़ की हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप हुई थी। फिल्म के प्रोड्यूसर महेश भट्ट हैं। डायरेक्शन अनुराग बासु ने किया है। म्यूजिक अनु मलिक और एमएम करीम ने दिया है। गाने अलका याग्निक, उदित नारायण, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल कांजीवाला और केके ने गाए हैं। फिल्म में जॉन इब्राहिम, तारा शर्मा, महिमा चौधरी, विश्वजीत प्रधान और राजेंद्र जुत्सी हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे वहां जाने से रोकोगे नहीं। मरीजों को दवाइयों से ज्यादा अपनी प्यारी बातों और मुस्कान से ही माया ने कई बार ठीक किया है। हादसा इतना भयानक था कि किसी का बचना नामुमकिन था। वो क्या सिखाएगा, वो तो गधा है गधा। तो तुम्हें सिखा दो ना। वही तो करना पड़ रहा है। मैंने अपनी जिंदगी के 1.5 साल जाये किए हैं इस बात को समझने के लिए कि एक बार कोई चला जाता है तो वापस नहीं आता।
ये डरावनी हिंदी फिल्मों की लिस्ट का 12th पार्ट है। 13th पार्ट के लिए बने रहे हमारे इस चैनल लाइफ इज फिल्मी के साथ। बाय एंड टेक केयर। हमारा चैनल लाइफ इज फिल्मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।